लग मूवी में उसका इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। रवि तेजा का एक्शन कैसा देखा? बहुत अच्छा है एक्शन। मूवी के बारे में क्या बोले, मूवी में क्या आपको नया देखने को मिला? मूवी में बस वही है तो पहले भी देखा हुआ, जैसे प्लेयर्स पिक्चर है ये सब कैसा है, करेंसी के ऊपर है वो। अच्छा पब्लिक को बोलेंगे देखने के लिए मूवी? हाँ अच्छा है, देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, अच्छी पिक्चर, एक्शन भी अच्छा। सर कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी बात। रवि तेजा का एक्शन कैसा देखा? बहुत अच्छा, मस्त। मूवी में आपको नया चीज क्या देखने को मिला? नया तो कुछ नहीं, बस गैंगस्टर। रवि तेजा हंसाने में कितना कामयाब रहा? कॉमेडी तो है पहले से, हंसाना तो बहुत। थैंक यू, थैंक यू। सर कैसी लगी मूवी? सही है सर। कैसी लगी, कैसी लगी भाई? ठीक ठाक लगी। रवि तेजा कैसे लगे? क्या उनका एक्शन? रवि तेजा बढ़िया। और मूवी के अंदर आपको नया चीज क्या देखने को मिला? कुछ नया चीज नहीं देखने को, पिछला उनकी फिल्म में देखा था क्रैक जी, क्रैक से जुड़े मुझे बहुत सारे सीन लगे। अच्छा। और वो जो नाइट वाले जितने भी सीन थे या एक्शन सीक्वेंस तो उतने अच्छे लगे नहीं। और स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में थोड़ा वही फैमिली ड्रामा दिखाते हैं नॉर्मल का। रवि तेजा कॉमेडी में बहुत जाने जाते हैं, आपको हंसाने में कामयाब हुए? हाथ हंसाते हैं, फिर भी उतनी अच्छी कॉमेडी नहीं है जी इस फिल्म में, मुझे उतना हंसा नहीं पाया। और यहाँ पे बात करें एक्शन की, एक्शन बढ़िया है जी, एक्शन जितने भी एक्शन क्लाइमेक्स सीन्स वाले जितने भी एक्शन है वो सब ठीक ठाक है, एक ठीक ठाक देखने लायक है, टाइम पास है। ओके इतना अच्छी रेटिंग कितना दें? 5 में से 2.5 स्टार। थैंक यू भाई। बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक थी काफी। फाड़ू फाड़ू मतलब बोल ही नहीं सकते हम कुछ, जला दी क्या है मूवी में ऐसा। बहुत सही पैसा वसूल था, एक नंबर। रवि तेजा कैसे लगे स्क्रीन पर, एक्शन वगैरह? रवि तेजा की एक्टिंग ऑफ कोर्स, रवि तेजा इमोशनल अत्याचार चालू था। अच्छा नहीं, अच्छा लव सस्पेंस थ्रिलर कॉमेडी भाई सब तो फिदा हीरोइन पे नहीं मतलब। अच्छा बहुत सही था। अच्छा सही था। अच्छा सस्पेंस थ्रिलर बहुत ज्यादा, जिनको क्राइम सस्पेंस थ्रिलर पसंद है मतलब उनके लिए तो बहुत ज्यादा, उनके लिए पसंद। पैसा वसूल है ये? मैं तो वापस आऊंगा। अच्छा वापस देना चाहिए। तो हिंदी ऑडियंस को क्या पसंद आएगी भाई? बहुत ज्यादा एक्चुअली, वो पता नहीं कि मूवी आई है अभी तक। अच्छा खास बात क्या लगी फिल्म जो आपको अच्छी लगी सबसे ज्यादा? स्टोरी उसमें काफी खतरनाक, क्योंकि एक फिल्म में ये हो रहा है, एक फिल्म में वो हो रहा है, सर्कल घुमा दिया पूरा। अभी ट्विस्ट आता है बाद में पिक्चर में, वो कैसा लगता है? सस्पेंस थ्रिलर बहुत ज्यादा। अच्छा पब्लिक क्या रिस्पॉन्स था अंदर जो भी थी, पब्लिक रिस्पॉन्स क्या था? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हंस रहे हैं मतलब। एक्चुअली जो यहाँ की लोग हिंदी वर्जन पीपल्स है मतलब जिनको इनके बारे में पता नहीं ज्यादा, तो अगर उनको पता चलेगा कि ये मूवी आई है अगर एक बार देखो। फिल्म मुझे एकदम एवरेज लगी क्योंकि ये जो फिल्म है साउथ इंडियन, लेकिन जहां रवि तेजा की बात आती है तो हर पिक्चर में वो जलवा दिखाते ही है। लेकिन ये जो चीज है ना, ट्विस्ट इतना है कि सेकेंड हाफ में भी पूरा ट्विस्ट है, एंड फर्स्ट हाफ में कुछ और रवि तेजा देखने को मिला, मतलब कि बहुत ही ट्विस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी इंस्पायर्ड है किक से, किक मूवी जो अच्छा। सलमान खान की भी रिमेक बनी थी। अच्छा तो ओवरऑल ठीक है, देख सकते हैं, वन टाइम वॉचेबल है। अच्छा वन टाइम वॉचेबल है, वॉचेबल है। हाँ। अच्छा रवि तेजा का मतलब क्या एक्शन चली, क्या डांस या कॉमेडी? एक्चुअली रवि तेजा को अगर फिल्म से निकाला जाएगा ना, मतलब पिक्चर पूरा सा मतलब की डाउन हो जाएगा। मतलब रवि तेजा इज अ रियल, मतलब की वो जो बोलते है ना रियल हीरो, हीरो एजेंस, कितना ट्विस्ट है उसमें, उनका काम अच्छा था। चलो ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाई, ये जो फिल्म है रवि तेजा की, ये हिंदी डब में, तो डायलॉग कैसा था? डायलॉग्स तो मतलब फाड़ू था डायलॉग्स। अच्छा। मतलब कि कैसा है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा और प्रमोशन करते थे ना हाँ, तो पिक्चर और सुपर हिट हो जाती थी। तो रेटिंग क्या देगी 5 में से भाई आपकी? 5 में से मैं 3 दे सकता हूँ।